नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिथौरा पेंटिंग की। पिथौरा पेंटिंग मध्य प्रदेश के पिथौरा क्षेत्र की भील ट्राइब के सबसे बड़े त्यौहार पिथौरा पर घर की वॉल्स पर बनाई जाती है। इसे गुजरात के राठौर नायक ट्राइब्स भी बनाते हैं। इन ट्राइब्स का बिलीफ है कि इस पेंटिंग को वॉल्स पर बनाने से घर में शांति और खुशहाली आती है। पिथौरा पेंटर्स को जो पेंट करते हैं इसे उन्हें लखाड़ा कहते हैं। इसे सिर्फ मेल्स ही बना सकते, दैट मीन्स इट्स प्रोहिबिटेड फॉर फीमेल्स। पिथौरा जो पेंटिंग है वो पिथौरा फेस्टिवल्स पर ईश्वर को थैंक यू बोलने के लिए किए जाते हैं, और जो मुख्य पुजारी होते हैं वो इन ट्राइबल पीपल्स की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताते हैं इन फेस्टिवल्स में। प्रॉब्लम चाहे खेती की हो, पालतू जानवरों की हो, या अपने बच्चों की बीमारियों की, सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पिथौरा बाबा की पूजा और घर में पेंटिंग बनाना ही होता है। कलर्स की बात करें तो कलरफुल पाउडर को दूध और महुआ, महुआ जो कि एक तरह की शराब होती है जो महुआ के फूलों से बनाई जाती है। मेन कलर जैसे कि आप देख ही रहे हैं, पीला, नारंगी, हरा, नीला, लाल, आसमानी, काला और चांदनी कलर, मतलब बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं। ब्रश बनाने के लिए बेंत जो केन होता है उसको एक किनारे से कूटा जाता है ताकि वो ब्रश की तरह सॉफ्ट हो जाए। प्रोसेस की बात करें तो इसमें वॉल्स पर पहले गाय के गोबर से पेंट करते हैं दो कोट, फिर एक कोट लगाते हैं चौक पाउडर के पेंट से, जिससे सरफेस बहुत स्मूथ हो जाए, इसीलिए इनका बेस यूजुअली वाइट ही होता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ऑथेंटिक पेंटिंग कभी भी सिमिलर नहीं होती, दैट मीन्स एवरी पिथौरा पेंटर हैज़ देयर सिग्नेचर स्टाइल, सबके अलग अलग स्टाइल के होते हैं। पेंटिंग अर्धो यानी हाफ और अखो पिथौरो मीन्स फुल होती है, तो ये डिपेंड करता है वाव आपने क्या कसम खाई है कि मतलब मेरा ये काम हो जाएगा, तो मैं ये मतलब आपकी जो भी विश है वो कितनी बड़ी है छोटी उस पर डिपेंड करता है कि आप अर्धो पिथौरा बनाओगे या अखो। तो इस तरह से, और दूसरा इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी कि ट्राइब जो पर्सन है वो कितना गरीब है कितना अमीर है, मतलब लाइक पूरा वॉल पेंट करने में ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए वो एक विश मांग के अर्धो की भी विश मांग सकता है कि अगर मेरा एक काम हो जाएगा तो मैं हाफ वॉल पेंट करवाऊंगा या करवाऊंगी। तो जो अर्धो पिथौरो होता है उसमें 5 से 7 हॉर्सेस बनाए जाते हैं बिना राइडर के, वो भी एक्सेप्ट गणेशा बाबा को छोड़ के, मतलब खाली सिर्फ हॉर्सेस बना दिए जाएं, अगर किसी की विश पूरी होती है तो वो थोड़े से बना देते हैं, 5 से 7 हॉर्सेस बना देते हैं, उसमें राइडर्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब सिंपल सी पेंटिंग बना देते हैं। और अखो पिथौरा मीन्स 18 हॉर्सेस, वो भी राइडर्स के साथ। वो जो 18 हॉर्सेस होते हैं वो हर तरह के इनके देवी देवताओं का भी रूप हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो आपकी जब विश पूरी होगी तो आप उसी हिसाब से उतने देवी देवताओं की पेंटिंग बना सकते हैं अपनी वॉल्स पे। तो जैसे कि वॉल्स पे ये पेंटिंग्स बनाना ज़रूरी ही होता है, मतलब मैंडेटरी है, सबने बनाना ही है, बट आप अपने कोई विश होने के बाद कोई एक वॉल कर सकते हैं पेंट, मतलब 3-साइडेड होता है। फर्स्ट जो एंट्रेंस वाली वॉल होती है उसको छोड़ के बाकी जो मेन रूम होता है, एंट्री करते हैं मेन रूम में, बाकी जो 3 वॉल्स हैं उन पर ही ये पेंटिंग की जाती है। पर आज के टाइम पे तो ये अब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे, कैनवास पे, फ्रेम्स में बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाई जाने लगे हैं इसके, और एक्सपोर्ट भी की जाती है, बाहर देश में भी इनकी बहुत डिमांड है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सोबर है, इतना सिंपलिसिटी के साथ अपनी पूरी कहानी बताने वाली पेंटिंग है। तो अब इनकी डिमांड अब्रॉड भी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेसिकली ये हॉर्सेस की पेंटिंग होती है, पिथौरा पेंटिंग में मैक्सिमम जो होता है वो हॉर्सेस को ही दिखाया जाता है, इसके अलावा और भी दूसरे जानवर दिखाते हैं बट हॉर्सेस जो हैं वो मैंडेटरी हैं। हॉर्सेस मीन्स उस एक पर्टिकुलर देवता या देवी की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। बेस हमेशा वाइट ही होता है, बहुत रेयर केसेस में रेड भी बेस बनाया जाता है,
अदरवाइज हमेशा जो बेस होता है वो वाइट ही होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये अलग अलग मोटिव्स में, साड़ियों में, शॉल्स में, टॉप में, फ्रेम्स में, वॉल हैंगिंग में, तरह तरह की, अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती है। इनका एक इंटरनेशनल लेवल पे एक पेंटिंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड भी एक शो हुआ था जो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद ही अब्रॉड भी इसकी बहुत, इसको लोगों में बीच में पहचान बन गई है। तो ये है पिथौरा पेंटिंग। अभी मैंने आपको बताया कलर्स और इसके ब्रशेस वगैरह। अब मैं बताती हूँ गणेशा, बाबा गणेशा को छोड़ के और भी इसमें बहुत सारे मोटिव्स होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि जो फुलो अखो पिथौरा होता है, जो फुल वॉल होती है, उसमें 18 देवी देवता होते हैं। उनके ऊँट सबको विद हॉर्स, विद देयर हॉर्स दिखाया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया बाबा गणेशा के अलावा, जैसे आप देख रहे हैं अभी, ये है बाबा इंद्रा, बाबा पिथौरा, पिथौरा रानी, ये है रानी काजल। रानी काजल के अलावा इसमें होता है बार मिठा, मतलब 12 सिर वाला देवता, जिसके हाथ में स्नेक है, जो आपको सारी मुश्किलों से आपकी रक्षा करता है। इसके अलावा राजा भोज, जो अपने हाथी पर हैं, और इसके अलावा इनके साथ होती हैं अभो कुंभी एंड मथारी, जैसा कि इसमें पिक्चर में दिखा रहे हैं। अभो कुंभी और मथारी, इसकी भी कहानी है जो कभी फिर आपको सुनाऊंगी। यह है नकती भूतेन, जो कि वाइट हॉर्स पर बैठती है और वाइट ही इसको पेंट किया जाता है। ये प्रोटेक्टर है घर की। इसके अलावा लखारी और जोखारी भी होते हैं, जो कि आपके भविष्य बताने वाले होते हैं, ये आपके भविष्य को लिखने वाले होते हैं। और इसमें होते हैं पूर्वज ने 5 घोड़ा, यानी हमारे एंसेस्टर्स, उनको डिनोट करते हैं 5 घोड़ों के साथ। इनके अलावा इसमें नेचर भी बहुत दिखाया जाता है, जैसे सूरज, चांद, पेड़ पौधे, जानवर। और इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं आदमी औरत, पेड़ पौधे, मटकी, तलवार, नेट, और काम करते हुए लोग, जानवरों में घोड़े तो है ही मैंडेटरी। इसके अलावा जो पशु पक्षी पिकॉक होता है, और जानवर, पालतू जानवर, बफेलो काउ, कोट वगैरह, और इसके बाद जो जंगली जानवर होते हैं उनको भी दिखाया जाता है। और इस तरह से जानवरों, पशु पक्षियों के अलावा इसमें दिखाई जाते हैं डेली लाइव्स, कि उस टाइम पे लोग किस तरह से काम करते हैं। कोयल का बड़ा महत्व है, कोयल को ये बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें डेली लाइफ के बारे में भी है, तो डेली लाइफ में लोगों काम करते हुए लोग, और इस तरह से बहुत सारी पेंटिंग्स, मतलब कुल मिला के कहते हैं कि पिथौरा पेंटिंग में ऑलमोस्ट 165 मोटिव्स होते हैं, इन सारे डेली रिचुअल्स को मिला के, और सारे देवी देवता, सारे जानवर, सब चीज़ों को मिला के 165 मोटिव्स होते हैं। इट हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन। आप पिथौरा पेंटिंग को एक जगह फिक्स नहीं कर सकते कि वो सिर्फ घोड़े होते हैं। तो फाइनली ये है पिथौरा पेंटिंग बहुत सारी वेरिएशंस के साथ, 165 मोटिव्स, और फिर इतने ही उनके कलरफुल कलर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना कलरफुल है। तो आशा करती हूँ आपको पिथौरा पेंटिंग पसंद आई होगी, जो बहुत ही कलरफुल भी है और रिचुअल्स और इनकी पूजा पाठ से रिलेटेड भी है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई पेंटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी धनतेरस। बाय।